ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो सब आप जान सके। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। DRDO RSC के तरफ से प्रोजेक्ट साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें टोटल 55 वैकेंसी है। अब इसमें एप्लीकेशन फी कितना लगेगा वो देख लेते हैं। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 100 रुपीज। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 11th August 2023। अब इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट F में 1 पोस्ट है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट D में 12 पोस्ट है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C में 30 पोस्ट है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B में 12 पोस्ट है। अब पोस्ट वाइज अपर एज लिमिट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट F में अपर एज लिमिट है 55 ईयर्स, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट E में अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट D में अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C में अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B में अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर रूल्स। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें पूरे डिटेल में बता दिए हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 11th August 2023। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.rac.gov.in। अब इसमें पोस्ट वाइज डिटेल्स देख लेते हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट F में 1 वैकेंसी है। इसमें जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में और उसमें फर्स्ट क्लास है और मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट D में टोटल 12 वैकेंसी है। इसमें जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में रिलेवेंट फील्ड में और उसमें फर्स्ट क्लास है और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 7 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C में टोटल 30 वैकेंसी है। इसमें जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में रिलेवेंट फील्ड में और उसमें फर्स्ट क्लास है और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 12 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B में टोटल 12 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 8 वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी बता दिए हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 4 वैकेंसी है। इसमें जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में रिलेवेंट फील्ड में और उसमें फर्स्ट क्लास है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.rac.gov.in। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, पहले शॉर्टलिस्टेड होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 11th August 2023। अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेस।